हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने अब तक के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन साल 2000 में रिलीज हुई आइकॉनिक फिल्म हेरा फेरी शायद लोगों की अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के राजू के किरदार ने लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसे शायद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इन दिनों इस फिल्म के तीसरे पार्ट की चर्चा जोरों पर है, जिसमें अक्षय कुमार नजर नहीं आने वाले हैं। अब इस खबर से जहां अक्षय कुमार के फैंस को तो बड़ा झटका लगा, तो वहीं इस फिल्म में अक्षय के को-स्टार सुनील शेट्टी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की जोड़ी इस फिल्म की जान है। इनमें से किसी के बिना ये फिल्म अधूरी है। कुछ दिनों पहले ही परेश रावल ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये कन्फर्म किया था कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे, लेकिन सुनील शेट्टी को अब भी उम्मीद है कि चीजें ठीक हो सकती हैं और अक्षय कुमार इस फिल्म में वापसी कर सकते हैं। हाल ही में दिए एक मीडिया इंटरव्यू में सुनील शेट्टी का कहना है कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर से बात करेंगे कि अक्षय कुमार इस फिल्म में वापसी कर ले। सुनील शेट्टी आगे कहते हैं कि सब कुछ ट्रैक पर चल रहा था, सारी बातचीत भी हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ और अक्षय इस फिल्म से हट गए। अक्षय, मैंने और परेश रावल तीनों ने ही इस फिल्म के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब इस ट्विस्ट ने मुझे चौंका दिया है। हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार के बिना पहले जैसी नहीं बन सकती। ये श्याम, बाबूराव और राजू के बिना अधूरी है। मैं देखना चाहता हूँ कि चीजें दोबारा से ठीक हो सकती हैं या नहीं। कुछ दिनों पहले ही अक्षय कुमार ने इस बात को कंफर्म किया था कि वो हेरा फेरी 3 में नजर नहीं आने वाले हैं। इस पर उन्होंने दुख भी जताया, साथ ही उन्होंने इसका कारण बताया था कि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस वजह से वो इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे। अब उनकी इन बातों से अक्षय कुमार के फैंस को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन सुनील शेट्टी की बातों को सुनकर लगता है कि शायद अक्षय कुमार अपना फैसला बदल ले और फिल्म में वापसी कर ले। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी शायद अक्षय कुमार के फैंस को ही होगी, जो हेरा फेरी 3 को अक्षय कुमार के बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई और भी ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।